हर महीने में ये एक बार इन्हें खुला छोड़ देते हैं कि भी जाओ तुम शिकार करके आओ, और ये शहर में घूमते हैं सांप सारे। 3 महीने का बच्चा होने पे उसके मुंह पे 10 मार्क्स लगाए जाते हैं, 2, 2, 4, 6, 8 और 2, यहाँ 10। और ढसका 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 इस बच्चे के चेहरे पे आप स्कारिफिकेशन देख सकते हो। और ये देखो किस तरह निपट के बैठा है इसके चेहरे के। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री बेनिन, जो कि अटलांटिक ओशन की कोस्ट पे पड़ती है, उसकी सबसे बड़ी सिटी कुतनूस है। जी हाँ, कैपिटल तो इसकी पोर्ट नोवो है, लेकिन दे फैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल देखा जाए, लार्जेस्ट पोर्ट देखा जाए, लार्जेस्ट सिटी देखा जाए, या फिर इकोनॉमिक कैपिटल देखा जाए, तो वो कुतनू है जिधर अपन अभी फिलहाल है। आप लोगों ने सुना होगा कई लोग तरह तरह के जानवरों की पूजा करते हैं, जैसे अपने इंडिया में भी एक मंदिर है जिधर लोग चूहों की पूजा करते हैं, ऐसे ही अफ्रीका में बेनिन में एक कल्चर है जिसे बोला जाता है वुडू या फिर ब्लैक मैजिक। आपने शायद नाम भी सुना होगा। और जो लोग यहाँ पे वुडू फॉलो करते हैं वो करते हैं सांपों की पूजा। जी हाँ, यहाँ पे एक है पाइथन का टेंपल, जहाँ पे लिटरली सांप होते हैं, खूब सारे पाइथन्स, और लोग उन्हें भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। आज हम चल के वो देखने वाले हैं। बेनिन का वुडू कल्चर अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। जी हाँ, वुडू जो शुरू हुआ था, या फिर ब्लैक मैजिक, काला जादू, कुछ भी उसे कह लो, वो दुनिया के इसी पार्ट से शुरू हुआ था। एवे जो लोग थे बेनिन, नाइजीरिया, टोगो, थोड़ा घाना के पार्ट में, इस रीजन से वुडू स्टार्ट हुआ था, और लोग लिटरली इसे एक फुल फ्लेजेड रिलीजन मानते हैं और पूरी तरह से इस धर्म को फॉलो करते हैं। आज अपन चल के वो देखने वाले, उसे एक्सप्लोर करने वाले, और कैसे लोग पाइथन्स की, सांपों की पूजा करते हैं और खुद को भी एक सांप की तरह दिखाना चाहते हैं। हम शायद देख पाएंगे कि लोगों के मुंह पे स्कारिफिकेशन होगी, सांप के जैसे दांत होते हैं वैसे यहाँ पे उन्होंने बना रखे होंगे, स्किन पे निशान होंगे पाइथन की तरह, वो सब चल के अपन देखेंगे। यहाँ पे काफी पॉपुलर टेम्पल है पाइथन टेम्पल विदा के अंदर। विदा एक और शहर है यहाँ कुतनू से लगभग 1-1.5 घंटा दूर। उधर अपन चलेंगे और अपना सफर आज का स्टार्ट करते हैं बेनिन देश का। आप लोग जानते हो पिछली वीडियो से कि मैं एक अपार्टमेंट में रुका हुआ था। अब फिलहाल जो मेरे को दिल्ली के भाई मिले थे उनके पास आके मैं रुक गया। मेरे साथ में जॉन पॉल, जो कि यहाँ पे एक टूर गाइड है बेनिन में। इस भाई से मेरा कनेक्शन हुआ, मिले, ये भाई हमें दिखाने वाले आज, लेके चलेगा। Are you sitting at the back? Can I sit at the front? अपन बैठ गए भाई गाड़ी में। जो जॉन पॉल भाई है यहाँ पे एक टूर गाइड है और इंग्लिश टीचर है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, और बहुत बढ़िया लगा मेरे को इस भाई से बात करके। मेरी इससे 4 दिन से बात हो रही थी। एक और दोस्त है अमेरिका का, माइकल मेरा, जो मेरे को घाना ही मिला था, वो इससे बेनिन मिला था, इसका कॉन्टेक्ट उसने मेरे को दिया। प्लान था मैं और ये जाएंगे लोकल ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी तरह वहाँ पहुंचेंगे पाइथन टेम्पल देखने के लिए। इन भाइयों से मेरी मुलाकात हुई इंडिया से, मनीष भाई है झारखंड से और हितांशु भाई है दिल्ली से। जिम में हमारी मुलाकात हुई, दोस्ती होगी, भाई बोल लेगी हमारे पास आके रहो, हमारे साथ चलो, और भाई बोल लेगी भाई हम ही चलते हैं साथ में गाड़ी लेके, इस बार ने हम भी देख लेंगे। शायद आप गए पहले? नहीं, मनीष भाई नहीं गए, हितांशु भाई गए पहले गया हुआ, तो इस बार ने मनीष भाई भी देख लेंगे और हम आपको भी दिखा पाएंगे। सिर्फ अपन पाइथन टेम्पल नहीं देखेंगे, चल के विदा टाउन एक्सप्लोर करेंगे, कैसे को एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग धर्म। और ऐसा नहीं है कि भी वुडू के जो प्रैक्टिशनर्स है वो सिर्फ वुडू धर्म की है, वुडू यहाँ पे ना इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि भाई इस्लाम, क्रिश्चियन सभी वुडू को मानते हैं, चाहे वो वुडू धर्म को पूरी तरह फॉलो ना करते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ से मेरे ख्याल 1-1.5 घंटे का सफर होगा। सड़कें कुछ आप देख सकते हो। आज है सैटरडे का दिन और थोड़ी सी आज भीड़ और दिनों से ज्यादा है, जैसा मेरे को मनीष भाई ने अभी बताया थोड़ी देर पहले। सबसे बढ़िया बात इंडियन भाइयों के पास रुकने की है कि चाय पीने को मिल जाती। मैं चाय नहीं पीता था कभी भी, और अब लेकिन अफ्रीका में इंडियंस के पास रह रहे मेरे को थोड़ी आदत पड़ गई और मजा भी आता है। अब कई दिन बाद भाइयों के पास है तो हम चाय पी के निकले। साथ में रहमत शरीन का कराची हलवा खाया, जो कि कल पाकिस्तान के कोई अपने सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैं एक रेस्टोरेंट पे बैठा था, आगे उन्होंने वो खिलाया, जबरदस्त हलवा था, मजा आया। उन तक भी वीडियो पहुंचा सको तो पहुंचाना, बहुत अच्छा लगा कि भाई बॉर्डर के उस पार से भी लोग अपने को इतना प्यार करते हैं। भाई आ गया हमारे साथ जो चल गया गाड़ी का। व्हाट्स योर नेम? जॉन शमारी। जमारी तो भाई और जॉन पॉल बात कर रहे थे फ्रेंच के अलावा किसी और भाषा में। बेनिन की ऑफिशियल लैंग्वेज तो है फ्रेंच, फ्रेंच कॉलोनी थी ये, और फ्रेंच के अलावा लोकल यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स भी काफी सारे हैं, पर ये जो भाषा बोल रहे थे ना वो थी फोन, क्योंकि मोस्टली सबसे ज्यादा यहाँ पे एथनिक ग्रुप देखा जाए तो फोन लोग ही है। इवन जो बाकी एथनिक ग्रुप्स है जैसे कि यारूबा, बरीबा, आजा, फुला, गुन, वो लोग सारे भी फोन भाषा ही बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वाइडली स्पोकन लोकल लैंग्वेज फोन है। लेकिन हर एथनिक ग्रुप की अपनी लैंग्वेज भी है, जैसा आपने देखा ये पैटर्न पूरे वेस्ट अफ्रीका में फॉलो होता रहा है, हर देश के अपने अपने एथनिक ग्रुप्स है अलग अलग तरह के। फुला अभी तक अपने को सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जो हर जगह दिखता है, बाकी सारे थोड़े चेंज होते जा रहे हैं। फुला जनरली बिजनेसमैन होते हैं, यहाँ पे बहुत थोड़ी पॉपुलेशन है फुला की, गाम्बिया में काफी थी।
अब हम एंटर करके भाई विदा शहर में, विदा शहर में ही है वो पाइथन टेम्पल और ये सारी हिस्ट्री दाहोमे किंगडम और डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी मैं आपको उतर के बताऊंगा। दोस्तों फाइनली हम आ गए विदा टाउन में। मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो एक चर्च, चर्च के बिल्कुल सामने है टेम्पल दे पाइथन, जो पाइथन टेम्पल है। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है ना अलग अलग सोर्सेज से, जितना एक्यूरेटली मैं डिस्क्राइब कर सकूँ मैं कोशिश करूँगा। कुछ मैंने नेट पे ऑनलाइन पढ़ी थी कल, कुछ मैंने आज पढ़ी, कुछ मैंने मेरे गाइड से पूछी, मतलब जितना डाटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ उस हिसाब से ऐसा था कि पोर्टुगीज जो थे, हालांकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बेनिन की फ्रेंच है, लेकिन 1 अगस्त 1960 को इनको फ्रेंच से मिली आज़ादी। लेकिन फ्रेंच से पहले यहाँ पे आए थे पोर्टुगीज। पोर्टुगीज दरअसल बेनिन की कोस्ट से गुजर रहे थे, एक शिप गुजर रहा था यहाँ पे, एक लोकल आदमी था, उसने कोई शिप जहाज देखा नहीं था पहले कभी, तो उसने समुद्र में जैसे वो शिप देखा वो हाथ हिलाना शुरू कर दिया। पोर्टुगीज लोगों ने देखा कि अच्छा इधर तो कोई रहता है, इधर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, तो इधर रुके बेनिन की कोस्ट पे, साउदर्न बेनिन, वेस्टर्न अफ्रीका, विदा, इधर वो लोग रुके। यहाँ पे दरअसल एग्जिस्ट करती थी दाहोमे डायनेस्टी। तो दाहोमे डायनेस्टी या दाहोमे जो किंगडम था ना, वो वेस्टर्न अफ्रीका का एक बहुत स्ट्रांग किंगडम था, और उनके जो वॉरियर्स थे वो मोस्टली फीमेल होती थी, दाहोमे अमेजोन्स बोलते थे उन्हें, और बहुत ही मतलब ब्रूटल वॉरियर्स होती थी वो। दाहोमे किंगडम जब भी किसी किंगडम पे या जगह वो कब्जाते थे, नई नई जगह वेस्ट अफ्रीका में वो कब्जा कर रहे थे, तो जो भी वॉर प्रिजनर्स होते थे, जो हार जाते थे, उन्हें वो बिहेड करते थे, उनकी गर्दन काट देते थे। तो जो शिप रुकी पोर्टुगीज की, उन्होंने वो चीज़ देखी, यहाँ का जो किंग था वो गर्दन काटने लग रहा था सीधा लोगों की, वॉर प्रिजनर्स की, तो उन्हें चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने क्या करा, उनके पास थी कोई ड्रिंक, शायद अल्कोहल था किसी तरह का, उन्होंने यहाँ के राजा को ऑफर करी, राजा ने वो पी, राजा को मजे आ गए, राजा बोले तो बढ़िया चीज़ है, और वो पोर्टुगीज बोलते कि तुम इन्हें मारने की जगह ना ये तुम हमें दे दो एज स्लेव्स। राजा को शुरू में तो ये चीज़ बढ़िया लगी नहीं, पर उन्होंने ड्रिंक पिलाई तो राजा भी फिर इंटरेस्टेड हुआ। फिर बाद में पोर्टुगीज ने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना स्लेव बिजनेस। पोर्टुगीज यहाँ पे आते थे, जो भी वॉर प्रिजनर्स थे जो कि दाहोमे किंगडम पकड़ती थी, उनको मारने की जगह वो बेच देते थे उन्हें पोर्टुगीज को। पोर्टुगीज इन्हें एज स्लेव्स ले जाते थे, जनरली नॉर्दर्न अमेरिका में या कैरेबियन में वो जाते थे। मैंने आपको पहले ही बताया घाना की वीडियो में, जैसे ये जो कोस्ट है अटलांटिक ओशन के सारे ही कोस्ट वेस्टर्न अफ्रीका की, तो जैसे घाना से कुछ एथनिक ग्रुप्स थे जैसे कि एवे लोग या फिर गा दांगबे, ये लोग जाते थे एज स्लेव्स नॉर्थ अमेरिका में, ऐसे ही बेनिन से भी वो लोग जाते थे। और अगर हम साउदर्न अफ्रीका की बात करें तो अंगोला जैसी कंट्रीज के जो स्लेव्स थे उन्हें लेके जाया जाता था साउथ अमेरिका, या फिर वेनेजुएला, या फिर कोलंबिया, या फिर ब्राज़ील। अब विदा टेम्पल क्यों बना था, कैसे बना था, यहाँ पे पाइथन्स की पूजा क्यों करते हैं, ये तो अपन टेम्पल में जाके देखेंगे। लेकिन ये जो आप कैथोलिक चर्च देखने लग रहे हो, ये विदा शहर के लोगों ने दिया था क्रिश्चियंस को, ताकि वो इधर ये चर्च बना सके, ये दिखाने के लिए कि भी हम कितने अच्छे से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो रीजन है दुनिया का, ये जो कोस्ट है, इसे बोला जाता है वुडू कोस्ट बेनिन का, वेस्ट अफ्रीका का, क्योंकि यहाँ पे वुडू इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है या ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा फॉलो किया जाता है। इस बच्चे के चेहरे पे आप स्कारिफिकेशन देख सकते हो, कैसे पाइथन या फिर स्नेक की तरह इसके चेहरे पे भी स्कारिफिकेशन है। भाई मेरी गलती हुई, ये जो बच्चा था ना, इसके जो स्कारिफिकेशन थी वो क्वेदा पीपल, जो विदा के लोग हैं उन्हें बोलते हैं क्वेदा पीपल, ये क्वेदा पीपल में से नहीं था, दूसरे ट्राइब का था, पर जैसे इसके एक स्कार था, इनके इन लोगों के जो सांपों की पूजा करते हैं पाइथन टेम्पल में या फिर विदा के जो लोग हैं उनके दो स्कार इधर होते हैं, दो इधर, वो अपन चल के अंदर देखेंगे। बाहर एक लेडी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो पाइथन्स थे उन्होंने बचाया था स्लेवरी से इधर के लोगों को, और इनकी जो वॉरियर थी, शायद ये मेरे ख्याल वही वॉरियर है, उन्हें आके इस पाइथन ने बचाया था। यू कैन सी द मार्क्स, द मार्क्स, oh yeah, are the people who worship the python. So here, two scars here, two there, so here, two here, and two on the forehead. Wow, yeah, kuch aise hoti hai bhai idhar ke logo ki scarification. And then if you count down you will see 2 4 6 8 and 10, so that makes 10, a total of 10. 10 scars in total on the face. Yeah. And when you take the jaw of the python you actually have 10 holes. So that's the reason why they make those 10. There are 10 holes in the jaw of the python. Exactly. That's why they have 10 scars on their face. Mandir mein ghusne se pehle bhai, python temple mein ghusne se pehle hame apne haath dhone hain. Mercy. So the pythons are considered to be very holy, right? Yeah. And that must be the reason why everyone is supposed to wash their hands before you go and touch them. Exactly. And even before you actually get in or before you touch the pythons, you wash your hands again. Your hands need to be clean. They will have to wash your hands again. You have your water there with a leaf inside. Okay. That's it for purification.
ये भाई इरोको ट्री जो ये मानते हैं कि भी 400 साल से ज़्यादा पुराना है। हम जस्ट अभी पाइथन टेम्पल में एंटर करी, उधर से एंट्रेंस लिए हमने, 400 साल से ज़्यादा पुराना इसे माना जाता है। और कहते हैं कि हर तीसरे दिन शायद every three days there's an offering। तो भाई इनके पूर्वजों की पूजा की जाती है इस पेड़ के सामने और हर तीसरे दिन और ऑफरिंग्स दी जाती है। ठीक है, अब घुसते हम अंदर पाइथन टेम्पल में और जाके देखते हैं पाइथन। इधर एंटर करने के ना इन्होंने लिए हमसे 3000 सेफा पर पर्सन। इधर ही करेंसी है सेफा या फिर XOF या फिर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, कुछ भी कह लो, एक इंडिया के रुपए में 7.5 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक होते हैं। इनसे नहीं लिए, ये जो बेनिन के लोग हैं मतलब हमारा ड्राइवर जो टूर गाइड है, हम तीनों के लिए, हम तीन इंडियंस के लिए। लेकिन नितांशु भाई बता रहे हैं पहले इससे लिए थे 500, अब की बार लिए 3000, सीधा 6 गुना बढ़ा गए, तो तीन जनों के हमारे 9000 लगे। इंडिया के 1200 रुपये शायद 1200 के करीब रुपये इन्होंने ले लिए हमारी एंट्रेंस के। एनीवे पता नहीं, कोई फिक्स प्राइस नहीं है, रिसीट वगैरह कुछ नहीं थी ना ही कहीं कुछ भी लिखा हुआ था। ये जो जगह है इधर माना जाता है एग्जैक्टली जो स्पिरिट है वो है सांपों की। हर तीसरे दिन जैसे मैंने बताया मार्केट लगती है इनकी, तीसरे दिन उस पेड़ की पूजा होती है और ये जो स्पिरिट है इस स्पिरिट की पूजा होती है। लोग आते हैं, लोगों को ऑफरिंग्स दी जाती है स्पिरिट को, और ये जो आत्मा है बेसिकली सांप की पाइथन की उसकी पूजा करी जाती है। ये इनका मंदिर इस तरीके से, कोई भी मूर्ति वगैरह जैसे मैं नहीं देख पा रहा, अगर हो भी की तो आज कवर्ड है क्योंकि आज बंद है, हर तीसरे दिन खुलती है जब भी मार्केट लगता है। तो जैसे ही ये हटता है पर्दा उस दिन फिर पूजा की जाती है इस स्पिरिट की इस मंदिर में आके। और भाई जैसा अपने हिंदुइज्म में भी होता है कि भी मंदिर में जूते पहन के नहीं जाते या फिर तरह तरह के रूल्स होते हैं, इधर भी ये जो स्पिरिट की पूजा करने जाना है ये बहुत ही इनके लिए होली प्लेस है, तो इधर आप जूते पहन के नहीं जा सकते, सिर पर टोपी या सिर कवर करके नहीं जा सकते, और जो औरतें हैं वो अपने पीरियड्स के दौरान इधर स्पिरिट की पूजा करने के लिए नहीं जा सकते। और आपने अगर कोई गलती करी है तो उसकी प्योरिफिकेशन के लिए ये कंपार्टमेंट्स है एक, इसके अंदर अगर आपने कोई गलती करी है तो प्योरिफिकेशन होती है इंसानों की। ये भी थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है लेकिन ये सिर्फ प्रीस्ट के लिए। और जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के 90 दिन बाद यानी कि जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब उसके मुँह पर स्कारिफिकेशन की जाती है। जो भी लोग पाइथन्स की पूजा करते हैं फिर इस धर्म के जो लोग हैं वीदा एरिया के जो लोग हैं, 3 महीने का बच्चा होने पे उसके मुंह पे 10 मार्क्स लगाए जाते हैं, 2, 2, 4, 6, 8 और 2, यहाँ 10। तो भाई हम जाके फाइनली देखेंगे मंदिर के अंदर पाइथन्स को। पाइथन्स की पूजा करनी यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुई, दरअसल मैंने आपको बताया पहले यहाँ पे पोर्टुगीज आए थे, पोर्टुगीज यहाँ पे आए लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, राज नहीं कर रहे थे, राज यहाँ पे दोहेमे किंगडम का ही था। दोहेमे किंगडम इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 1625 से 1894 तक रहा था, और 1892 में फ्रेंच से वो हार भी गया था। 1892 में शायद फ्रेंच आ गए थे और 1960 में जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंच से इन्हें इंडिपेंडेंस मिली। तो पहले के जो इनके एंसेस्टर्स थे ना, एक तो ये माना जाता है कि स्लेवरी से जो वॉर प्रिजनर्स थे इस जगह के लोगों को बचाया स्लेवरी से पाइथन्स ने, सांपों ने। दूसरी चीज़ है कि जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने देखा भाई ये पाइथन्स तो बहुत यूज़फुल है, ये हमारे क्रॉप्स को बचाते हैं, फील्ड्स में खेतों में जो भी चूहे वगैरह होते थे उन्हें पाइथन मार के खा जाते थे, इनके क्रॉप्स को बचाते थे ताकि पैदावार ज़्यादा हो, ये लोग पाइथन्स की पूजा शुरू करनी इन्होंने स्टार्ट कर दी। क्योंकि ये जो पाइथन्स है ना ये जहरीले नहीं होते, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा और इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन भी आपको बता दूंगा। तो इन्होंने सोचा भाई ये तो ना हमें इनसे खतरा और ये हमें बचा भी रहे, हमारी क्रॉप ये हमारी पैदावार भी बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना इनकी पूजा की जाए। तो इनका ये मंदिर सा बना दिया, टेम्पल बना दिया और लोग इसी धर्म को मानते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। अब हम अंदर इधर जाके देखेंगे पाइथन्स दोबारा, लेकिन पहले हाथ धोने पड़ेंगे प्योरिफिकेशन के लिए क्योंकि बहुत ही होली माना जाता है। ये देखो इस भाई के हाथ में एक ये पाइथन है। ओके, दैट्स द पाइथन। ओके, इट डजंट बाइट, इट डजंट हार्म, none of it that has no venom, no teeth, like, yeah, it does nothing, it's totally harmless. Okay, there's no teeth, it doesn't have teeth, no venom, is harmless, so it can't even bite. No, it doesn't have teeth, how can it bite? So it swallows like it's constrictor. Okay, you know constrictors, they swallow, they yeah, wrap it around their prey, yeah, and swallow it. So to yeah bhai, python or एनिमिलिया किंगडम है, तो भाई बहुत ही पवित्र माना जाता है इन्हें। और ये आप देख सकते हो हैं, इट्स अ लाइज, अ लाइज, सो इट्स जस्ट ट्राइंग टू मूव, आई थिंक इट लाइक्स यू, इट डस। तो ये ना दरअसल क्या करते हैं, ये खाते हैं चूहे, चूहे को ना, लेकिन इन्हें मरा हुआ चूहा दे नहीं सकते क्योंकि ये लिपट के उसे कंस्ट्रिक्ट करके खाते हैं, तो इन्हें ना जिंदा चूहा ही चाहिए, लेकिन जिंदा चूहा इधर छोड़ेंगे तो चूहा भाग जाएगा। तो हर महीने में ये एक बार ही इन्हें खुला छोड़ देते हैं कि भाई जाओ तुम शिकार करके आओ, और ये शहर में घूमते हैं सांप सारे, फिलहाल इधर शायद 30 सांप है, तो ये सांप जाते हैं शहर में चूहों का शिकार करते हैं और अपने आप खा के आ जाते हैं। और इन्हें मेरे ख्याल 3 हफ्ते लगते हैं इसे डाइजेस्ट करने में, 3-4 हफ्ते
एक को स्वेलो करने के बाद डाइजेस्ट करने में, तो महीने में एक बार जाते हैं बस अपना खा पी के आ जाते हैं। ये बॉल पाइथन है, इसे रॉयल पाइथन भी बोलते हैं, और इसकी जीनस मेरे ख्याल से पी रिजियस है। मैंने जूलॉजी पढ़ी है भाई यूनिवर्सिटी में, पर मेरे को बहुत ज़्यादा याद नहीं है कुछ भी, तो मैं स्क्रीन पे पूरी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन लिख दूंगा। इनके दांत नहीं है, इनमें जहर नहीं है, और ये ज़्यादा लंबे नहीं होते, 2 मीटर से कम ही होते हैं। फीमेल्स टेंड टू बी मोर देन 2 मीटर्स और लेस देन 2 मीटर्स। फीमेल्स लेस देन 2 मीटर्स एंड मेल्स इवन शॉर्टर। Yeah, even shorter, like, they can measure like 1.40. तो लगभग 1.5 मीटर का होता है मेल, 5 फुट से भी कम का, 4-5 फुट का। फीमेल यू मान लो 6 फुट के नज़दीक तक जा सकती है, लेकिन 6.5 फुट से कम कम ही होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, आप ये कितना छोटा सही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और कुछ नहीं कह रहा, मतलब मेरे गले में है ना, इसके दांत है ना ये, अब मेरे को तो क्या ही लपेटा गया, छोटा सा बेचारा। पर देखो भाई, मेरे को पता नहीं था पकड़ना कैसे, भाई थोड़े से नाराज हो गए, मैंने इसकी गेटी पकड़ ली। ये भाई भाई नहीं डरता बिल्कुल भी। हाउ डू यू फील जॉन पॉल? आई लाइक इट। यू लाइक इट? नाइस। आई थिंक इट लाइक्स मी टू। इट लाइक्स यू टू, आई एम श्योर अबाउट दैट। मनीष भाई डरना नहीं है भाई, लोग देख रहे हैं, ऐसे एक्ट करो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाथ में लो ना, पहले ले नहीं रहे थे मनीष भाई, हमने बना लिया। मैं लो इसके ही वो हाथ में रख लो। अरे कुछ ना है, और ढसका। अरे ठीक है यार। चलो भाई अंदर जाना है जूते निकाल के। ये अब हम आ गए भाई अंदर, और ये इनके सेक्रेट पाइथन है। इस कमरे में बोलते हैं ये 50 पाइथन तक रहते हैं। हाउ मेनी पाइथन आर देयर राइट नाउ? 50। अच्छा इधर भी है भाई, कोने कोने में है। ये देखो भाई जगह जगह कैसे साफ पूरे मंदिर में। भाई देखो जमीन पे कितने सारे पाइथन्स पड़े हुए हैं, सांप पड़े हुए, देखना। कह रहे 50 है, 50 तो नहीं लग रहे मेरे को यार, ये 20 होंगे, 30 होंगे। और ये देखो किस तरह लिपट के बैठा है इसके चेहरे के, सारे इकट्ठे। अच्छा गर्मी होगी या तो इसलिए पड़े होंगे कोने में। When it's winters, do the snakes go underground to hibernate? In Africa, in Benin, we normally there's no winter. We normally have winter. Okay, yeah. तो जैसा मैं पूछ रहा था कि भी स्नेक्स तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सर्दियों में कहाँ जाते हैं, हाइबरनेट करते हैं जनरली। तो फिर मेरे याद आया और इन्होंने भी बताया भाई सर्दियाँ तो पड़ती ही नहीं इस पार्ट में, हमेशा वेदर ऐसा ही रहता है, गर्मी रहती है, कोस्टल रीजन है यार, और ह्यूमिडिटी रहती है, गर्मी रहती है, सनी रहता है। यहाँ पे अभी एक मार्केट सी है जिधर ये कुछ सोविनियर से बेच रहे हैं, मतलब मंदिर इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अंदर ये टेम्पल था, उधर स्पिरिट की पूजा होती है, ये प्रीस्ट के लिए। देखो ये जितने भी लोग थे ना अभी आगे जो गए, इनके मुँह पे 10-10 स्कार बने हुए, वो पीछे होता है भाई प्योरिफिकेशन। इधर ये मार्केट सी है, ये मास्क वगैरह तरह तरह। अभी ये मास्क यूज़ किए जाते हैं स्पिरिट से शायद बात करने के लिए, या फिर सोविनियर के तौर पे भी इन्हें बेचते हैं, ऐसा कुछ है जो मैंने पहले सुना था। How come do you speak English? Are you from Benin? Yes. But do you know English? I try, yes. Nice. This is a bracelet named Taga Eyes. Taga? Eyes. Taga Eyes. Taga Eyes prefer your brows. What? It protects you. Good luck. It gives you good luck? Yes. This bracelet? You go for Google, right? I want something for bad luck. My luck is already very good. Do you have something for bad luck? Somebody was. My luck is already too good. I don't think she will sell it if she. Yeah. Thank you. Python temple से निकल चुके वीदा शहर में, अब हम जा रहे sacred forest. Forest चल के अपन देखेंगे, पर ये काफी वैसे टूरिस्टी सा लग रहा है ये शहर, है ना? आप आर्किटेक्चर देख के भी थोड़ा लग रहा है, एक आधी दुकानें भी थी बीच में इस तरह की। वीदा जो ये शहर है ना, इसको पूरी दुनिया का स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वुड भी माना जाता है, पर फिर भी यहाँ पे जैसे काफी कैथोलिक चर्चेज भी देखने को मिल रहे हैं इंटरेस्टिंगली। और हर साल 10 जनवरी को मेरे ख्याल से वुडू डे होता है। द वुडू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th ऑफ जनवरी, राइट? एंड व्हाट डू द पीपल डू, हाउ डू दे सेलिब्रेट इट? फॉर सैक्रिफाइसेस,
a consultation, as well they do consultations about the country and see what are the different things and sacrifices. What is Vodun? So they usually go to the priest and they do the sacrifices. The priest, they all gather. All the priests gather, yeah, and they do sacrifices. They do sacrifices. They do Vodun shows. What do they sacrifice? The animals? Yeah, animals. Which animals? Like goat? A cow. Cow, goat? Yeah. Chicken. Okay. Chicken. And you have, because you have different divinities. Yeah. So adepts of the different divinities organize prayers. तो वुडू में भी अलग अलग डिविनिटीज होती है भाई, वो अपनी प्रेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रीस्ट सारे मिलते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं, गाय का सैक्रिफाइस करते हैं, चिकन का, गोट का, बकरी का, जो भी ये सब चीजें. व्हाट एल्स? दे हैव टू शो द पावर ऑफ द वुडू. यू हैव सम मैजिकल ट्रिक्स दैट दे ऑर्गेनाइज एज वेल, एंड यू हैव डिफरेंट अदर लाइक डांसेस, ट्रेडिशनल डांसेस. ट्रेडिशनल डांसेस, या ओके. So here we have, you have one of the founders of the Glehue kingdom. You have one of the founders of the kingdom, which is called Pase, the King Pase, who actually is said not to have died. Where he this kingdom is different from the Home kingdom. No, yeah, of course it is different. We're still in Weda, right? So this is the Weda people. Okay. The people, yeah. So he didn't die, but he instead turned himself into a tree. Okay. Yeah. And he was the king of the kingdom? The king of the kingdom, yeah. What was the name of the kingdom? Glehue. Glehue kingdom. This is called Glehue. Ke jo raja the, wo mare nahi, unhone apne aap ko ek ped ke roop mein change kar liya, viksit kar liya. And what's the name of this tree? Hiroko. Hiroko. Hiroko tree. Hiroko tree. Yeah. And he was the king of the kingdom here. Of the kingdom here. Okay, perfect. Mm-hmm. Interesting. His name is Base. 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 Yeah. That's why they call the place the sacred. The Pase forest. Oh, Pase was his name. Pase was his name, exactly. तो Pase था जो इनका राजा, जो पेड़ हो गया एक. ये इनके वही राजाओं के नाम थे किंगडम के. चलो अंदर चलते हैं. इनके मन मर्जी के रेट है बाकी भाई. एंट्रेंस कहीं भी बोर्ड पे नहीं लिख रखा कि भाई एंट्रेंस इतने की है, फोटो की इतने पैसे है, या फिर रिसीट दे दो, नहीं लिख रखा दो. यहाँ भी बोले 1000 सेफा पर पर्सन प्लस 2000 फोटोग्राफी के, 5000 एंट्रेंस हमने यहाँ भी दी, 3000. कोई बात नहीं, चलो इनकी जगह है, पर लिख तो दो कहीं, बोर्ड तो लगा दो. क्या पता कितने मांग रहे, ठीक मांग रहे, नहीं मांग रहे, जायज मांग रहे, नहीं इनकी जेब में जाएंगे, किसकी जेब में जाएंगे, अब ये नहीं पता. चलो भाई, ये है सैक्रेड फॉरेस्ट. ये भाई इनके कोई भगवान है, तीन पैरों वाले, ये गॉड ऑफ फर्टिलिटी माने जाते हैं इनके. इज फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम फ्रॉम इंडिया. इज फ्रॉम बांग्लादेश. बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया. नमस्ते. नमस्ते. So different greetings actually. Namaste for India, right? Yeah. ये भाई इनके धर्म में सिक्योरिटी का गॉड है इनका. ये मान लो ड्रावा होता है जैसे अपने, ये चौकीदार वो है. He is the raw agent, secret agent. He's Mossad of the king. Okay. He's Mossad. 007 James Bond. एक साइड से भाई ये स्पाई है, एक साइड से ही स्पाई फ्रॉम वन साइड एंड व्हाट इज ही फ्रॉम द अदर साइड. एक साइड से मैसेंजर है, एक साइड से स्पाई है. ये है भाई वो पेड़ पास से जो इनका राजा था, वो अपने आप को डिसअपीयर हो गया पहले राजा, और फिर ट्रांजिशन करके एक पेड़ के रूप में आके इधर अब इनकी पूजा की जाती है, जानवरों को बलि चढ़ाया जाता है, और इधर जो भी इनकी स्पिरिट्स वगैरह की वर्शिप होती है यहीं होती है. तो ये जो आप चित्र देख रहे हो, तो ये ना दरअसल 41 वर्जिन लड़कियाँ सेलेक्ट की जाती थी, और ये पानी इकट्ठा करके लाती थी इन छोटे छोटे मटकों में सिर पर रख के, और ला के फिर वो पाइथन टेम्पल में था, मैं आपको दिखाना भूल गया, उसमें इकट्ठा किया जाता था पानी, और फिर ये लड़कियाँ खाना प्रिपेयर करती थी राजा के लिए. Yeah, if exactly. This is women empowerment, like, yeah, and we, empowerment, we are women, we can do the job, so let men stay at home and cook for us when we come back. Yeah, if this is women empowerment, I totally support it. Yeah. इस किंगडम में जैसा कि बताया मेरे गाइड ने, जो स्लोगन था वो ये था कि भी
आदमी रहेंगे घर पे, खाना बनाएंगे, औरतें जाएंगी बैटलफील्ड में लड़ाइयां जंग लड़ने के लिए. सो ही इज द गॉड ऑफ आयरन एंड आल्सो द गॉड ऑफ वुमेन, राइट? एग्जैक्टली. एंड व्हाट वाज द स्लोगन? नॉट गॉड ऑफ वुमेन बट या लाइक ऑफ वॉर, आई वुड से ऑफ वॉर. या सो सो वुमेन वॉरियर्स यूज्ड टू pray him before going to war. Exactly. They used to pray before going to war, and the slogan was they would tell the king, men, let men stay at home, we women will be at the battlefield. Like we are capable of doing the job, so yeah, men can stay there, let us go in and go and defeat the enemies. Do you think it was the reason why the Dahomey kingdom fell, or even the kingdom that in was Vida? Definitely, that wasn't the reason why the kingdom it Dahomey could be one fell. Of the reasons. Oh no, definitely, because those women were actually very very brave and very feroz on the battlefield. They were feared by actually the enemies of the Dahomey kingdom. ये आपको डॉल आमतौर पे देखने को मिलती होगी हॉलीवुड मूवीज वगैरह में वुडू के तौर पे. ये देखो, इनका नाम है चक्का तत्तू, पता नहीं क्या है. थैंक यू. सैक्रेड फॉरेस्ट से निकल लिए भाई, नारियल पानी पीने लग रहे हैं. कितने का यहाँ पे नारियल पानी? इंडिया के 20 रुपए का है. सही है, ये तो सस्ता है. और ये महंगा है फिर भी. ये महंगा है, इससे भी सस्ता मिल जाता है. 12 रुपए, 10 रुपए कॉमन है. इंडिया के 10-12 रुपए का मिल जाता है भाई ये नारियल पानी. ये अपन ने लिए 20 का, और घाना में भी इतने का ही था मेरे ख्याल, 30 एक का था कुछ था. ये आ गए अब हम विदा की स्लेव मार्केट में. इधर से स्लेव्स का व्यापार किया जाता था, यहाँ से खरीदा जाता था स्लेव्स को. सो वर द स्लेव्स टाइड टू दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स? दे वर टाइड. अब ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये इन्होंने अब बना दी. इसकी जगह पहले यहाँ पे बांधा जाता था इंसानों को. ये भाई स्लेव मास्टर का जो पड़पोता सड़पोता है ना, मेरी फोटोज खींच रहा था बहुत बार बार. मैं बोला तू पोर्टुगीज को भेज देगा ना मेरी फोटो खींच के, मेरे को बेचेगा ना, यू सेल मी टू पोर्टुगीज. यस. कुछ लोग जाने की बजाय मरना प्रेफर करते थे, क्योंकि एक बार वो यहाँ से निकल गए इधर से पार जाए बाद, उसके बाद उनका कोई रिटर्न नहीं है.